अल्लाह नफाज नहीं, मेरे साथ मलक मोहम्मद अशरफ साहब मौजूद हैं, आपका ताल्लुक मुसद्दिक नून से है और मैं समझता हूँ कि ये एक वर्कर हैं। अगर साहिवाल में इनके हलके में जाया जाए और देखा जाए तो हर आदमी इनकी कारकर्दगी से खुश है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इनको मजीद इज्जत दे। मेरे साथ मौजूद हैं और सब क्या देख रहे हैं आप, सूरत हाल क्या है? आप ऐवान में भी आते हैं और बड़ी दिलचस्पी से काम लेते हैं, ऐवान कैसा किस तरफ जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये समझता हूँ कि बतौर मेंबर आज जो ऐवान का हाल है और जिस तरफ ले जाया जा रहा है, कोई अंधेर नगरी है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। बड़ी मेहनत से असेंबली में बिजनेस जमा करवाते हैं, बड़ी मेहनत करके अवामी मसाइल पे मबनी सवालात देते हैं और मुझे इंतहाई अफसोस, आज मुझे इस बात पे वॉकआउट करना पड़ा मजबूरन कि चेयरमैन ने मुझे मेरे अवाम के मसाइल को पूछने के लिए, अवाम के मसाइल के हल के लिए जो मैंने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करना चाहा, जिसमें ज़िम्मेदारों पे जो टैक्स लगाया जा रहा है, मेरे ज़िम्मेदारों पे जो ज़रई टैक्स है उसके बारे में सवाल था और साहिवाल में जो पंजाब बैंक के मखदूश तरीन हालात हैं और जो अकाउंट्स के मामलात हैं उसके बारे में सवाल थे, तो मुझे बड़ा ही अफसोस है कि आज चेयरमैन ने मुझे उस पर बात करने का मौका ही नहीं दिया और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने का मौका नहीं दिया, जिस पे मैंने वॉकआउट किया। मैं ये समझता हूँ कि ये हालात को अच्छे नहीं हैं, गवर्नमेंट के तो हालात हैं ही बुरे और बदकिस्मती है कि सिलेक्टेड लोगों की गवर्नमेंट है भट्ट साहब, लेकिन ये जो ऐवान है ये भी मछली मंडी बन गया है और ये पसंद नापसंद पर चल रहा है। रहीम यार खां की बात आई तो वो आउट ऑफ ऑर्डर ही, वो जो सवाल अपने और वो सवाल कुछ थे और जवाब अदरवाइज आए। आप आज की कार्रवाई निकाल के देख लें, मैं चैलेंज करता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस के इन्होंने जो जवाब दिए, मेरे जो सवालात के मुतलका जवाब ही नहीं था और इसके बावजूद जो चेयरमैन ने वो वन वे रूलिंग दी, मुझे इंतहाई अफसोस है और मैंने ये वॉकआउट किया। मैं समझता हूँ कि इस असम्बली में मुझे अवाम के मसाइल के लिए और उनके हल के लिए भेजा गया है, तो जब मेरे ज़िम्मेदारों का, किसानों का, मेरे साहिवाल के अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा तो मुझे, मैं असम्बली में बैठना पसंद ही नहीं करता। तो क्या देख रहे हैं सर, आगे आपने बात की हालात ठीक नहीं है, तो कुछ है इन लोगों की तब्दीली के हवाले से? ये भट्ट साहब हमेशा हर तारीख रात के बाद अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर तारीख रात के बाद सवेर होती है और मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फजल से पुर उम्मीद हूँ और इस बात पे मुझे पूरे कवी यकीन है कि इन गासबों की, इन सिलेक्टेड लोगों की हुकूमत जो सिलेक्टेड है और ये किसी वजह से कायम है, इंशाल्लाह ये गासब ख़त्म होंगे और बहुत जल्द मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। आपका मलक साहब शुक्रिया। थैंक यू। यूनस मोबाइल होल सेल डीलर, ऑल मोबाइल ब्रांड्स अवेलेबल, 25 इयर्स ऑफ ट्रस्ट, एड्रेस 29 मेन हॉल रोड लाहौर, फोन 04237244485, पेस गुलबर्ग लाहौर, फोन 04235756613 एंड 14। लाहौर में आलमी मियार के डेंटल क्लिनिक का क्याम, डेंटल कन्फेशन में दांतों के हर तरह के मसाइल का हल मौजूद है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन क्लिनिक, जदीद मशीनरी और आला से लैस, बहार शाह रोड जोड़े पुल कैंट में वाकया डेंटल कन्फेशन क्लिनिक आपकी खिदमत में पेश। फोन नंबर 04236634747।